जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिहार पुलिस ड्राइवर की फिजिकल में आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना जरूरी होगा, जो आप सभी लोग के लिए बहुत ही जरूरी होगा ये सभी कागजात, अन्यथा अगर ये कागजात नहीं लेकर जाते हैं सभी दस्तावेज तो उसके बाद आपको रिजेक्ट का सामना देखने को पड़ सकता है। तो भाई क्यों आप मौत का दावा दे रहे हो यार, जब ऑलरेडी पहले आप इतना मेहनत किए हैं, रिटर्न में पास किए, फिजिकल भी आपकी तगड़ी है, तो आप एक डॉक्यूमेंट्स क्यों छोड़ रहे हैं? अगर आपको डॉट लग रहा है कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा लिया हूं, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई चल जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक होगा, तो ये आपकी भूल है। जितना भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं वो सभी दस्तावेज आपको लेकर जाना है बिहार पुलिस फिजिकल टेस्ट में, जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए इस वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहेंगे, पूरी जानकारी के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाना जरूरी होगा। सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं पहचान पत्र। पहचान पत्र में आपका कुछ भी हो गया, आधार कार्ड भी हो गया, आपका जो पहचान पत्र होता है, जो आपका वोटर आईडी कार्ड होता है वो भी आपका आ गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी आ गया, तो ये आपका पहचान पत्र में ये तीन में से कोई एक लेकर जाना जरूरी है। आपके लिए बेस्ट रहेगा कि अगर आपके पास तीनों है तो तीनों आप वहां पर लेकर जाए। दूसरा यहाँ पे ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस। भाई जाहिर सी बात है इसमें ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए, ये आपको लेकर जाना है। मैट्रिक और इंटर का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि मेन यही तो सर्टिफिकेट मेन है यार, इसका आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो भी है ये आपको सभी लेकर जाना है, और सभी का आपका दो दो जीरोक्स ऑलरेडी पहले घर ही से करवा लेना है, और सभी डॉक्यूमेंट्स का आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ना कि फोटोकॉपी। भाई अपना मन से कुछ भी नहीं काम करना, आपको अगर लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स हम नहीं लेकर अभी तक नहीं बनाया तो बनवा ले। तीसरा यहाँ पे है, फोर्थ नंबर में यहाँ पे है जाति आवासीय प्रमाण पत्र। जाति आवासीय जो आपका होता है वो आपका दो तरह के होता है, दो तरह कहने का मतलब है कि एक आपको ब्लॉक से बनवाना पड़ता है, देन आपको ब्लॉक से जैसे ही बनवाते हैं तो अनुमंडल से जाने के बाद वहाँ साइन और मोहर लगता है, तो वो आपको उस टाइप में जाति आवासीय दोनों बनवाना है। और जो लेडीज़ है जिनका विवाह हो चुका है, तो जिनका विवाह हो चुका है तो उनका जहाँ पे विवाह हुआ है उनके एड्रेस उनके पिता के हिसाब से नहीं वहाँ पे आवासीय बनेगा, जो मायके उनका है ना, जो पहले वाला घर था उसके एड्रेस पे उनका आवासीय रहेगा, मायके वाला एड्रेस पे रहेगा उनका आवासीय। वैसे यहाँ पे क्रिमिलियर नहीं आने वाला संबंधी प्रमाण पत्र। क्रिमिलियर में अगर आप नहीं आते हैं तो उससे संबंधी एक आपको प्रमाण पत्र बनवा कर लेकर जाना जरूरी होगा। नेक्स्ट है मतलब कि ये जो मैं आपको पाँच डॉक्यूमेंट्स बताया ना, ये आपको पाँच डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना बहुत ही जरूरी होगा, अगर ये नहीं लेके जाते हैं तो भाई वहां पे रिजेक्ट हो जाएंगे, इसलिए ऑलरेडी पहले आप ये बनवा ले दस्तावेज। और सबसे लास्ट में यहां पे आपका है संविदा गोरखा और स्वतंत्रता, तो यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि जो संविदा से नियोजित हुए जो बहाल हुए हैं ना, तो उनके लिए संविदा के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, गोरखा के लिए भी उसी तरह से चाहिए, बाकी स्वतंत्रता सेनानी के अंदर जो आते हैं उसके लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए, ये आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स लेकर जरूरी है। आई होप इस वीडियो में जितना भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के बताया ये सभी दस्तावेज आप बिहार पुलिस फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लेके जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।